हाय हेलो गाइस यार, तो क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप कि आप लोग अच्छे और एकदम ही मजे में होंगे। मैं समझ ही रही ना। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोग को नेक्स्ट बोर्डवेल पैनल का फुल रिव्यू कराने वाली हूँ। और आप लोग को नेक्स्ट बोर्डवेल के अंदर में इंडिया सर्वे के अंदर में कौन सा न्यू पैनल देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आप लोग को आज इस वीडियो में 100% कंफर्म बताने वाली हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग का जो नेक्स्ट फैक्ट फिल है उसके अंदर में क्या देखने के लिए मिलेगा। साथ में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग का जो वन पंच मैन की जो शॉटगन की स्किन है ये रिटर्न में कब आने वाली है। आप लोग का जो कोबरा पैनल है इसका लिंक रिफंड आप लोग को इंडिया सर्वे में रिटर्न में कब देखने के लिए मिलेगा और कोबरा पैनल रिटर्न में कब आने वाला है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और साथ में आप लोग को ऐसे बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स लाइक आप लोग का न्यू मगर शॉर्ट न्यू टॉप इवेंट और न्यू रिंग इवेंट ये सब का भी रिव्यू आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना या फिर आप लोग बहुत सारे अपडेट मिस कर दोगे। तो चलो गाइस वीडियो को देख के करते हैं वीडियो का शॉर्ट। सो गाइस इंडिया सर्वर के लिए सो सबसे पहला इवेंट निकल के आ रहा है न्यू मोकेश्वर, जिसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था आप लोग को ये सो ट्राइगन वाला प्रोफाइल एनिमेशन इमोट ही आप लोग को 15 मई से पहले देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस एक और जो मैंने बताया था वो आने वाला है। और बाकी आप लोग को सो यहाँ पे आप लोग को सो ट्राइगन वाला जो प्रोफाइल एनिमेशन इमोट है उसका रिव्यू आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। मोकेश्वर के अंदर में आने वाला है, इसकी स्कैमिंग स्किन में आने वाली है। और साथ में मैंने आप लोगों से दूसरा प्रोफाइल एनिमेशन इमोट दिखाया था 2 दिन पहले, वो भी फाइनली आने वाला है। और इस मोकेश्वर के साथ डेट वो कंफर्म हो चुकी है। सो आप लोग दोनों ही प्रोफाइल एनिमेशन इमोट देख सकते हो। सो मैंने आप लोग को पहले से ही बता के रखा था ये दोनों ही रिटर्न में आने वाला है। सो इसके स्पेशली आप लोग को न्यू मोकेश्वर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मोकेश्वर है ये आप लोग को इंडिया सर्वे के अंदर में 14 मई को देखने के लिए मिलेगा। 14 मई को ये जो मोकेश्वर है ये आने वाला है। मोकेश्वर के अंदर आप लोग को बस दो प्रोफाइल एनिमेशन इमोट ही देखने के लिए मिलेगा। एक ड्रैगन वाला आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सो ड्रैगन वाला है ये आप लोग देख ही सकते हो, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आप लोग को जो स्कैमिंग की स्किन है ये भी अच्छी खासी मिल जाएगी। और ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन निकालोगे तो आपका जो बैकग्राउंड आएगा वो ब्लैक हो जाएगा तो अच्छा खासा है। और फिर जो दूसरा आप लोग प्रोफाइल एनिमेशन इमोट देख रहे हो ये भी अच्छा खासा है। बाकी जो पहले वाला है वो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ओल्ड वाली चीज़ अच्छी होती है। बाकी आप लोग को दोनों में से प्रोफाइल एनिमेशन इमोट कौन सा अच्छा लगा आप लोग को भी नहीं बताना। और आप लोग को इस मोकेश्वर के अंदर से प्रोफाइल एनिमेशन इमोट को निकालने में 1100 डायमंड लग जाएगा। तो अगर आप लोग को निकालना है तो आप लोग 14 मई को निकाल सकते हो। ये वाला इवेंट इंडिया सर्वर में आने वाला है। और यस ये दोनों प्रोफाइल एनिमेशन इमोट के बाद में आप लोग को जो नेक्स्ट प्रोफाइल एनिमेशन इमोट देखने के लिए मिलेगा वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ये वाला, जो आप लोग को सोनमन के मोकेश्वर में आप लोग को पसंद वाले के देखने के लिए मिल जाएगा। सो ओफी 42 का ही प्रोफाइल एनिमेशन इमोट है बट करीना वालों ने अभी डाला है 44 अपडेट की फाइल में। सो ये सो इमोट है प्रोफाइल एनिमेशन इमोट जो आप लोग नाम देख सकते हो बुलेट मास्टर। और सो देखने में इमोट है प्रोफाइल एनिमेशन इमोट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपके सो प्रोफाइल है उसमें बहुत अच्छा था मस्त लगेगा, एकदम इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है और बहुत सारे यहाँ पे सो बुलेट उसको फायर कर रहा है। क्या ही मस्त प्रोफाइल एनिमेशन इमोट है। सो आप लोग को नेक्स्ट प्रोफाइल एनिमेशन इमोट यही देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। सो ये पॉसिबल है कि आप लोग को सोनमन के नेक्स्ट मोकेश्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो डेट है वो कंफर्म होने तो फिर मैं आप लोग को इस प्रोफाइल एनिमेशन का फिर इमोट का 100% कंफर्म डेट बता दूंगी। और ये सीखो आप लोगों ने फार्टिफल के अंदर में ये सो एकेडमी वाला पंडल है, सो ट्रेन एकेडमी पंडल है सो फीमेल का, ये आप लोग को नेक्स्ट फार्टिफल के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है जो जून मंथ में आने वाला है। और इसका सो आप लोग इस फीमेल का जो पंडल है वो देख सकते हो। टॉप तो क्या ही मस्त लग रहा है और मुझे जो टॉप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और टॉप से भी ज़्यादा जो इसका स्कर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और स्कर्ट जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जो स्कर्ट है वो अलग ही टाइप का आ रहा है इस पर। और साथ में आप लोग को जो पूरा कपड़ा फिमल का पहनना है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग को भी अच्छा ही लग रहा होगा। और इसका हेयर सो सब कुछ अच्छा है इसका, वैसे पूरा ही पूरा जो पंडल है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी ये सो फैटिफिल है ये आने वाला है सोन मंथ में। सो अभी इसका डेट कंफर्म नहीं है, जल्दी हो जाएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और ये सेल्फी के टाइम में लड़कों में बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है ये सो सस्पेंड है इसका। और बाकी लड़कों में क्यों है क्योंकि ज़्यादातर फ्री फायर लड़के ही खेलता है। सो आप लोग को ये सो सस्पेंड है ना इसके रिगार्डिंग आप लोग को एक लेटर वाला देखने के लिए मिल सकता है। सो वरीना वालों ने बाहर के सर्वर में पैसे लूटने को देना स्टार्ट कर चुका है। सो आप लोग को इंडिया सर्वर में फिर सो लेटर वाला है इसके रिगार्डिंग इस पैन के रिगार्डिंग आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है पॉसिबल। बाकी इसका अभी तो कुछ भी कंफर्म डेट वगैरह तो नहीं आया है बट आप लोग को आने वाले टाइम में जो सस्पेंड है इसके स्पेशली आप लोग को सो लेटर वाला है यही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये फिर से
से स्टोरी के अंदर में ऐड नहीं होने वाला, क्योंकि या फिर इसका जो हाइप है ये बहुत ही ज़्यादा है और बंदों को ये सब पेंट है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सस्पेंस सो ये वाला जो सस्पेंड है ये आप लोग को इंडिया सभी के अंदर में लेक्रोवल के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा और ब्रिटेन में। और जो लेक्रोवल है इसका फिर इंडिया सभी के लिए कोई भी कंफर्म डेट निकल के नहीं आया है। सो आएगा तो बता दूंगी, आप के लिए कोई पॉसिबिलिटी डेट भी नहीं है कि ये डेट को आ सकती है। सो लिख फिगर आने दो, फिर मैं आप लोग को इसका कंफर्म डेट बता दूंगी। और ये इस बात करिए आप लोग को जो कोबरा पंडल है इसका सॉरी फैंड है ये आप लोगों को कब देखने के लिए मिलेगा, तो देखो किस आप लोगों से कोबरा पंडल है इसके रिंग इवेंट से पहले आप लोगों से स्कॉर्पियो पंडल है ना इसका रिंग इवेंट आप लोगों से उनके लास्ट वीक नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलने वाला है। सो स्कॉर्पियो पंडल सोन नहीं तो जुलाई में आएगा और अगस्त में तो आप लोग को 7th एनिवर्सरी स्पेशली सो ईफो पंडल है वो देखने के लिए मिलेगा। सो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर आप लोग को नवम्बर में ही पॉसिबल है कि सो कोबरा पंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। बाकी सो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कोबरा पंडल को लेके नवंबर में आएगा नहीं तो आप लोग को अब एक मतलब अगले साल ही आप लोग को अब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तो वैसे कुछ भी पॉसिबल नहीं क्योंकि समर इवेंट चलेगा, फिर 7th एनिवर्सरी का इवेंट चलेगा और फिर दिवाली का इवेंट चलेगा, फिर से लेगा इन्वेंटर का इवेंट। सो अभी आने का कोई भी सेंस नहीं है। अब आप लोग को अगले साल ये सब कोबरा पंडल है रिटर्न में देखने के लिए मिल सकेगा, नहीं तो नवंबर में देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो दिवाली स्पेशली देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये जो कन्फर्म लेके उसका आने का वेट करो, कन्फर्म लेक फिगर आएगी कोबरा पंडल को लेके तो ही मैं आप लोग को बता दूंगी अभी के लिए कुछ भी कन्फर्म न्यूज नहीं है। और सो नेक्स्ट अपडेट है आप लोग को वन पंच मैन की जो शॉर्टलिन की स्किन है ये रिटर्न में कब आएगा, तो देखो वन पंच मैन के साथ में दोबारा फिर से कोलैबोरेशन होगा, तो आप लोग को वन पंच मैन की टीम में जो शॉर्टलिन की स्किन है बंडल्स है ग्लोबल की स्किन है फिस्ट की स्किन है वन पंच मैन बंडल है जो फिर वन पंच मैन के टीम में सारे आइटम्स आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल जाएगा। और वन पंच मैन के साथ में जो दोबारा कोलैबोरेशन होगा फिर से स्टार्ट वो होगा वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आएगा, तो आप लोग का जो वन पंच मैन है इसके साथ में आप लोग को करीना फ्री फायर का कोलैबोरेशन देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जो करीना है अभी नहीं करने वाला कोलैबोरेशन, क्योंकि करीना का अभी खुद का बहुत सारे इवेंट वगैरह अभी समर इवेंट आएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया समर इवेंट के बाद में आप लोग का जो 7th एनिवर्सरी का इवेंट है, फिर आप लोग को दिवाली का इवेंट है, फिर आप लोग को विंटर का इवेंट है, वो सब इवेंट देखने के लिए मिलेगा। सो वन पंच मैन के साथ में आप लोग को अगले साल ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि करीना का अभी बहुत ही इवेंट है खुद का अपना ही जो हर साल ही आता है। सो ये सारे इवेंट्स वगैरह आएगा फिर जाके जो कोलैबोरेशन है वो आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। सो अभी आप लोग को ओवी 47 ओवी 48 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग को वन पंच मैन की सोडियन की स्किन चाहिए तो, बाकी उससे पहले तो और भी बहुत सारी स्किन्स आ जाएगी, तो अभी गैस वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और बाकी देखो गैस अभी जो गोल्ड वाले इसके अंदर में फीमेल का बंडल चल रहा है, तो जो नेक्स्ट गोल्ड वाला बंडल आएगा वो 100% कंफर्म है आप लोग को मेल का ही देखने के लिए मिलेगा। सो जो मेल का बंडल आने वाला है नेक्स्ट गोल्ड वाले के अंदर में वो आप लोग को ये सो मेल का बंडल आप लोग देख रहे हो जो अभी चल रहा है फीमेल का उसका ही मेल पर्सन है। सो यही आप लोग को नेक्स्ट गोल्ड वेल के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा बंडल, जिसको आप लोग गोल्ड फाउचर से निकाल सकते हो। बाकी ये सो मेल का बंडल है वो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बताओ, और सो मेल का बंडल है इसका पैंट वगैरह देख सकते हो, मुझे तो अच्छा ही कैसा लगा गोल्ड वेल में आप लोग को मिल जाएगा। और इसका जो हेयर स्टाइल है वो भी आप लोग देख ही सकते हो, सो इसका हेयर अच्छा खासा है, सूज भी अच्छा खासा है, मास्क भी आप लोग को मिल जाएगा, और जो शर्ट पैंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो आप लोग को सो नेक्स्ट गोल्ड वेल पंडल है मेल का वो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो नेक्स्ट गोल्ड वेल के अंदर आप लोग को यही पंडल देखने के लिए मिलेगा इंडिया सर्वे के अंदर में। और अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, तो चलो गाइस बाय बाय।